हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनिर्बान और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आपके साइकिक एनर्जी अपडेट। यानी कि इस टाइम पे मैं टैरो कार्ड से देखूंगा कि आपको यूनिवर्स कौन सा चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, और अगर आप कोई भी इंट्यूटिव मैसेजेस के लिए इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, उनके स्पेसिफिक मैसेज भी मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। ये कलेक्टिव एनर्जी है, क्यों? क्योंकि ये जो मैं मेडिटेट कर रहा था तो उस एनर्जी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो जो चीज़ आपके सोल के ज़रूरत है वही चीज़ों को आप ले लीजिएगा। सारे इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं कि ज़रूरत हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ पार्ट आपको ज़रूरत है कुछ पार्ट आपकी ज़रूरत नहीं है। सो जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड सेकेंडली, मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर से बचिए, मेरे को रिक्वेस्ट भी मत भेजिए और किसी को पैसे भी मत भेजिए। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। इस टाइम पे आपके साइकिक एनर्जी अपडेट क्या आ रहा है, लेट्स सी। ओके, ऑल माय आर्कएंजल्स, माय एंसेस्टर्स, महाकाली, प्लीज हेल्प मी कि क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के साइकिक एनर्जी अपडेट। सो पहले आ गया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड आ गया है पेज ऑफ शोर्ड्स। तो ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ शोर्ड्स आया है, और क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, लेट्स सी क्या क्या अपडेट्स आ रहा है। ओके, फिर से दो कार्ड्स आ गया है, ये है स्ट्रेंथ का कार्ड, एंड इसके बाद जो कार्ड आया है वो है टू ऑफ कप्स का कार्ड, एंड उसके बाद कार्ड्स आए हैं सेवन ऑफ शोर्ड्स का कार्ड्स। ओके, सो लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग इज गोइंग ऑन। उसके बाद यहाँ पे आ गया है टावर के कार्ड्स, एंड लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहा है टावर के बाद। उसके बाद आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंड ओके ये कार्ड है नाइट ऑफ वंड्स के, एंड ये कार्ड है थ्री ऑफ कप्स के। सो बेसिकली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने इंट्यूशंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे हो सकता है कि अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हो, खास करके सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ शोर्ड्स, यानी कि आपके माइंड बहुत क्यूरियस हो गया था किसी के लिए। ऐसे हो सकता है कि पास्ट पर्सन के बारे में आप अचानक बहुत ज़्यादा सोचने लगे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कल रात आपका नींद ठीक से नहीं आया था, हो सकता है बहुत टॉक्सिक साइकिल के अंदर थे। ऐसे हो सकता है घर वालों ने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दबाव डाला, या फिर कोई फ्रेंड ने दबाव डाला, या फिर कोई पर्सन चला गया है बहुत पहले, उसके याद बहुत ज़्यादा आ रहा था। आई थिंक यहाँ पे कल आप डिटैचमेंट के बारे में भी सोचे, कल आप कल आप ड्रीम्स देख सकते हो, या फिर किसी के बारे में सोच सकते हो कि कोई आपको चीट कर रहे हैं। ऐसे मेरे ख्याल से आज आपकी इनसिक्योरिटीज़ है, और आपके अंदर विश्वास भी है और आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, बट कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरफ आपको जाना है। सो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि काफ़ी हद तक क्यूरियस हो आप, बहुत कुछ नए नए चीज़ अनाप शनाप भी सोच सकते हो, या फिर फ्रूटफुल चीज़ें भी सोच सकते हो, क्योंकि आपके माइंड बेसिकली क्यूरियस है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन पसंद है कि नहीं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा टैरो रीड किए हो, या फिर अचानक टैरो पे आप आज बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर अचानक आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ आपको शायद मिलेंगे, या फिर रिपीटेड नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो। पेज ऑफ शोर्ड्स मतलब साइकिक वे में आप एक चेंज को चाहते हो, आप डिजर्व करते हो वो चेंज को, और आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे उस चेंज के लिए। हो सकता है कि सक्सेस, मैटेरियलिस्टिक सक्सेस, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप में सक्सेस। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को कुछ भेजे हो, उसका रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हो। ऐसे हो सकता है कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को आप अब्सॉर्ब किए हो, क्योंकि आपको पता चला था कि अगर आप कुछ बोलेंगे किसी को तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो मैं देख सकता हूँ कि कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजी भी आप लोग ले रहे हो, बट खास करके आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है। कोई ना कोई तो ऐसे है जो आप जिसको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप खुद को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मेरे ख्याल से कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उसके साथ साथ आपको एक यकीन है कि यस, भगवान ने
आपको मदद करेंगे, भगवान ने आपको हेल्प करेंगे, डिवाइन हेल्प आपके पास है, ओके, डिवाइन हेल्प आपके पास है। और मैं देख सकता हूँ कि आप जो भी आपके सामने है, जो भी आपके सामने अवेलेबल है, उस चीज़ को लेके ही आप आगे चलना चाहते हो, उस चीज़ के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीज़ें हैं अभी आपके लाइफ में जो आपको बार बार यू नो एक बहुत बार बार इंक्विजिटिव बना दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, यू नो बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड शायद आपको नेगेटिव वे में भटका रहा है। सो देखो एक चीज़, गीता में एक कहावत है कि आपके माइंड है आपके फ्रेंड और आपके माइंड है आपके एनिमी। तो ये जो आपके टावर कार्ड आए हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि हमेशा ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड हमेशा आपको सही तरीके से सही दिशा में लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके पुराने हैबिट्स, पुराने लाइफस्टाइल, पुराने तरीके का सोच आपको एंशियस बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर के गिल्ट या फिर पेन कुछ ऐसे है जो अभी भी हील नहीं हुए हैं, ओके। कहीं ना कहीं आपको और भी अच्छे तरीके से अपने लाइफ को एक्सेप्ट करना है या फिर करनी है। कुछ ट्रस्ट इश्यूज है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि आपको किसी चीज़ के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं है अभी, तो इसीलिए शायद आपको लग रहा है कि आप बहुत अकेले हो। ऐसा लग सकता है कि बाहर की दुनिया आपको एक तरफ प्रेशराइज कर रही है बट आप कुछ अलग करना चाहते हो। एनीवे, इस प्रेशर, ये जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था, फाइनली टावर कार्ड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत अच्छा शुरुआत है। क्योंकि देखो वैसे भी आप जिस तरीके से जा रहे थे या फिर आप जिस तरीके, आपके लाइफ जिस तरीके से जा रहा था वो कुछ खास नहीं जा रहा था, तो बेसिकली आप स्टक थे और आप प्रे कर रहे थे कोई डिवाइन इंटरवेंशन आए, कोई चेंज आए, और चेंज आ रहा है। तो मैं देख सकता हूँ कि किसी किसी के लिए मान लीजिए कि आप हमेशा एक सिचुएशंस को लेके बहुत गुस्से में थे, ओके, और बट आपने कभी भी उस सिचुएशंस को सामने नहीं बोले हो। जैसे कि मान लो कि आपके पार्टनर कभी भी एक बार आपको कुछ बात सुनाए थे बट आपने उस चीज़ को लेके बहुत हर्ट हुए थे बट कभी भी आप उस चीज़ को शेयर नहीं किए थे क्योंकि आपको लगा था कि शायद ये पर्सन चेंज ही नहीं होगा, या फिर आपको लगा था कि क्या होगा बोल के, फिर से अगर ये चला जाएगा तो और भी नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके सामने एक टेस्ट रखे थे और उस टेस्ट पे आप जेन्युइनली पास हुए हो। अब बात आते हैं कि जेन्युइनिटी का, यानी कि यहाँ पे जो सिचुएशंस है, सिचुएशंस ये है कि आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर सुपर पावर है, आपके सुपर पावर इंक्रीज हो रहे हैं बट आप इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। यानी कि आप एक लायन हो, यानी कि सिंह हो, बट आपको लग रहा है आप एक हिरन हो, यानी कि डियर हो। सो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे, आपको शायद कोई लायन खा जाएगा, या फिर आपको शायद कोई यू नो चीता खा जाएगा, या फिर कोई आपको शिकारी शिकार करके चले जाएगा, इसीलिए आप डर रहे हो। बट यूनिवर्स क्या देख रहे हैं कि नहीं, आप तो एक लायन हो, ओके। सो इसीलिए यूनिवर्स आपके अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने के लिए टावर मोमेंट को लेके आ रहे हैं। तो आप बोलोगे कि दादा टावर मोमेंट को लेके मेरे को डरना चाहिए? नो, डरना नहीं चाहिए। अगर मान लो कि सीन क्या हो रहा है, मैं एक सिचुएशंस बता रहा हूँ, आपके एक बेस्ट फ्रेंड और उनके एक बेस्ट फ्रेंड तीनों मिलके एक जगह पे पार्टिसिपेट किए थे, एक क्विज कॉम्पिटिशन्स पे पार्टिसिपेट किए थे। उसमें आप अपने फ्रेंड और उनके फ्रेंड को सहायता किए हो और हमेशा उन लोगों को जिताए और आपके टीम भी जीत गए थे, बट ये लोग कभी भी आपको मौका ही नहीं दिया बोलने के लिए कि इनके सहायता के बल पे हम लोग जीते हैं। और ऐसे आप करते आ रहे हो, लोग क्रेडिट नहीं देते हैं, अक्सर लोगों को मदद करते हो और आपको लगता है कि नहीं, शायद उन लोगों के बिना आप नहीं जी पाओगे, शायद उन लोग नहीं आते तो आपके लाइफ कुछ नहीं होता, बट असल में हो रहा था उल्टा कि आपके बिना ये लोग नहीं जीत पाएंगे, आप अगर नहीं आते तो ये लोगों के लाइफ आगे नहीं बढ़ता, कुछ ऐसा ही हो रहा था। मतलब ये सीरियल ऐसा ही चल रहा था। तो यूनिवर्स क्या देखा कि भाई ये तो गलत हो रहा है इस पर्सन के साथ, ये पर्सन तो बहुत अच्छा मान रहे हैं बट ये लोग तो इसके पीठ पीछे क्रेडिट नहीं दे रहे इनको। अब सब लोगों का जरूरी नहीं है कि आप उनके आपके पीठ पीछे बुराई करें,
क्रेडिट ना देना भी तो एक बुराई है. सो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे थे, मैनिफेस्टेशन हो, लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, वहाँ से प्रॉपर रिटर्न नहीं आ रहा था. और क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस था. आपको भी पता था कि वो ब्लॉकेजेस है, बट आपने नज़रअंदाज किए थे क्योंकि आप कभी भी उस तरीके से नहीं सोचे हो, या फिर आप किसी को खोना नहीं चाहते हो, या फिर आप उतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी के सामने नहीं बोलना चाहते थे. बट वो बोलता है ना कि अनहोनी को कौन रोक सकता है. यस, सो ये कुछ चीज़ होना ही था. ओके, आपके जो गुडनेस है, आपके अंदर की अंदरूनी पावर है, उसको बाहर निकल के आना ही था. सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन लेके आ रहे हैं. तो आप ऐसा हो सकता है कि आप बोलेंगे, फाइनली आप बोलेंगे कि ऐसा होता है ना कि आप बहुत दिन से देख रहे हो और पिन पॉइंट पे कोई आया और आपको उस पॉइंट पे ही आपको कुछ बोला और आप भड़क गए और लोगों को लगा, मतलब लगेगा कि भाई ये कब से ऐसे बोलने लगा. बट ऐसा बात नहीं है. ये भड़क जो है ना, जो आप ये जो भड़ास आप निकाल रहे हो, ये आज का बात नहीं है, ये बहुत दिन से हो रहा है. अभी ऐसा बात हो सकता है, ये तो मैं एक सीक्वेंस बोल रहा हूँ कि भड़ास निकलना. देखो, मैंने भी देखा हूँ कि एक स्टूडेंट, मान लो क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक वो कोई रैंक ही नहीं करता था, बट एक एग्ज़ाम लाइक मान लीजिए 8th के फाइनल और 9th ग्रेड के फाइनल, उसके लाइफ चेंज कर दिया. उस 9th और 8th ग्रेड के फाइनल में वो स्कोर किया और टॉप स्कोर किया और 1 to 10 के अंदर आया, और उसके बाद से वो लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. आई थिंक दैट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल इन योर केस नाउ, कि कुछ ऐसा चेंज आ जाएगा तो आप बोलोगे बस यही मेरा मोटो है, यही मेरे स्टेज है, इसमें मैं सब कुछ करके प्रूव करूंगा, यानी कि मेरे सब कुछ दाव पे लगाऊंगा, और वो जो सक्सेस आपको मिलेगा उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा. कहीं ना कहीं ये डिवाइन इंटरवेंशंस ये साफ दर्शाता है कि जिस जगह पे, चाहे वो लाइफ हो, करियर हो, अपने पर्सनल वैल्यूज हो, जहाँ पे आपको लग रहा था कि लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लोग आपके इनोसेंस बिहेवियर का फ़ायदा उठा रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा था कि लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हो, वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आ रहे हैं. उसके बाद देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ कप्स, यानी कि अब तक आप चीज़ों के पीछे भाग रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि आप हिरन हो, बट उसके बाद आपको पता चलेगा नहीं, आप हिरन नहीं, आप लायन हो, तो चीज़ें आपके पीछे आएगा. ऐसे कई कबार हम लोग देखते हैं कि देखो कि जब हमारा बहुत ज़्यादा हम हंगरी रहते हैं, तब बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये खाएंगे, बट जब तुम्हारा पेट भर जाता है, जब हमारा पेट भर जाता है, तब अगर हम लोगों को अगर आके कोई खाना ऑफर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नो इट्स अ गुड फूड बट आई एम नॉट इन टू राइट नाउ. सो ऐसा ही कुछ होगा कि कुछ ऐसे जगह पे आप खुद को लेके जाओगे कि आप बोलोगे अभी मेरे को डर नहीं लग रहा है, अभी तो मेरे को सिर्फ खुद के साथ एक्सप्लोर करना है, क्योंकि मेरे को पता चल रहा है कि आई कैन अचीव दिस, कि आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे. सो ये जो साइकिक एनर्जी मैसेजेस आए हैं, ये हो सकता है कि फाइनली आप कुछ बोलने वाले हो किसी को कि भाई बहुत हो गया, आप जो भी कर रहे थे, जैसे भी कर रहे थे, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी मेरे बात सुनो. आई थिंक यू आर फाइनली गोइंग टू डू समथिंग ऑथेंटिक, मतलब जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस चीज़ के लिए आप बने हो, जिस चीज़ के लिए आपको किसी को ऐसे बटर बोलते हैं ना, ऑयलिंग बटरिंग नहीं करना पड़ेगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके किसी को कुछ बोल रहे हो. उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स, मनी, इन्वेस्टमेंट, करियर में डेवलपमेंट आ रहा है. अभी देखो, ये चीज़ को आप ऐसे मत बोलो कि मैं एज अ फ्यूचर फॉर्चून टेलर बोल रहा हूँ. नो, ऑब्वियसली करियर में डेवलपमेंट इज अ बेसिक साइंस, कि जब कोई पर्सन को पता चल जाएगा कि उनके स्ट्रेंथ एंड उनके वीकनेस क्या है, मतलब मान लो कि अगर आपको पता चल रहा है कि आप 8 liters पानी कैरी कर सकते हो, ओके, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं, मेरे को 5 liters पानी कैरी करना है, क्योंकि 5 liters पानी मैं बहुत दूर तक कैरी कर सकता हूँ. 8 liters अगर आप मेरे को दोगे तो मैं ज़्यादा देर उसको लेके नहीं चल पा रहा हूँ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको, आप कितना पानी कैरी कर पाओगे, ये चीज़ आपको पता चल रही. तो जब आप ऑफिस पे जाओगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब आप कोई करियर पे जाओगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब आप किसी जगह पे बोलने के लिए जाओगे या फिर कोई इश्यूज को लेके काम करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपके रोल पता है, आपके स्ट्रेंथ पता है, आपके वीकनेस पता है, आपको क्या करना है वो भी पता है, आप किस
लिए कर रहे हो वो भी आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक सक्सेस होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन आपको मिलेगा क्योंकि आप एक प्रॉपर तरीके से काम को करोगे। उसके बाद थ्री ऑफ कप्स, ये कार्ड साफ दर्शाता है लव लाइफ का, फैमिली लाइफ का, सेलिब्रेशन के कार्ड्स। सो आई थिंक जब आप खुद को एक नेक्स्ट डायमेंशन पे लेके जा रहे हो, एक खुद को अपने लेवल पे लेके आ रहे हो, तब लोग ऑटोमेटिकली थैंक यू बोलेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ये मैंने खुद देखा हूँ कि जब तक आप लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हो तब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, तब लोग आपका फायदा उठाएंगे। ओके, जब तक आप लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हो तब लोग आपको फायदा उठाएंगे। जब आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे, एकदम कंप्लीट स्ट्रिक्ट हो जाओगे, तब वही लोग आपको एक स्पेशल पर्सन समझेंगे। आई थिंक आप अपने वैल्यूज को समझ रहे हो, इसीलिए आप उतना अपना एनर्जी को फ्रीली किसी को एक्सप्लॉयट करने के लिए नहीं दे रहे हो। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव। आई थिंक ये जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टावर से, ये एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फाइनली मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपको बोलेगा कि सॉरी यू नो वो आपकी लाइफ से चले गए थे, बट वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते। हो सकते हैं उस पर्सन को आप वापस नहीं लोगे, बोल सकते हो आप कि नहीं अभी तो मार्केट रिट्रोग्रेड चल रहा है, अभी मैं नहीं लूँगा, बट कुछ दिन के बाद आप शायद उस पर्सन को अलाउ करोगे। बट कोई ना किसी को तो आपके पास आके सॉरी बोलना है व्हेन इट कम्स टू लव, या फिर कोई बॉस को, या फिर कोई यू नो कोलीग्स जो पास में आपको बहुत ज़्यादा आपके पीछे बहुत कुछ बोला था, उनका डाउनफॉल भी आप देख पाओगे। यू नो एक एनर्जी अपडेट जहाँ पे देख के आपको बोले, मतलब आपको पता चलेगा यस कर्मा डज एग्जिस्ट, यू नो कर्मा एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज़, ये थ्री ऑफ कप्स कैन बी लाइक दैट, कि आप किसी चीज़ पे 100% दिए थे, बट उस टाइम पे शायद आप उस चीज़ के लिए बने नहीं थे, इसीलिए यूनिवर्स ने हटा लिया। अभी आप उस चीज़ के लिए बने हो, और अभी आप देखोगे जो लोग मिसयूज़ किए थे आपके उस इनोसेंसी को, नादानी को, उन लोगों के डाउनफॉल आप देखोगे, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन। अब ये चीज़ मैं जनरलाइज करके बोल रहा हूँ, जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। अभी इट्स अ कम्प्लीट डिफरेंट टेक्स्चर। ये मैसेज उन सोल्स के लिए है जो बिलीव करते कि हाँ यूनिवर्स गाने के अंदर, बुक्स के अंदर, कोट्स के अंदर कुछ ना कुछ मैसेजेस देते हैं। सो लेट्स सी कि कौन आपको इस टाइम पे याद कर रहे हैं। अभी कोई नहीं बोल सकते कौन आपको ये इस टाइम पे याद कर रहे हैं, बट आपके सोल को पता है कि इस तरीके का मैसेज कौन बोल सकता है। अगर आपके लाइफ में कोई इस तरीके का बात आपको किए है कभी, तो आपके सोल को पता चलेगा। लेट्स सी कौन सोल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी देखो, फर्स्ट मैसेज आ गया है यू आर स्पेशल टू मी। तो ये कोई नियर वंस और डियर वंस भी हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, बट डेफिनेटली इट्स अ गुड थॉट्स। दरअसल ये स्पेशल है, अगर कोई आपके बारे में ये सोचता है कि यू आर स्पेशल टू मी, मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि शायद कोई आपको स्पेशल तरीके से ट्रीट नहीं करते, या फिर शायद आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको उतने अच्छे तरीके से डील नहीं करते, या फिर शायद आपके पार्टनर आपको पसंद नहीं करते, तो ये आप गलत हो, क्योंकि यू आर स्पेशल टू मी हो सकता है आपके आंसर्स के रिप्लाई के नहीं आप गलत हो, सच में आपके पर्सन आपको स्पेशल समझते हैं। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं इस टाइम पे। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है आई वॉन्ट टू मैरी यू। ओ माई गॉड, इट्स अ क्लियर कट साइन के कोई आपसे प्यार करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स सी ओके, आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माय लाइफ। ये भी हो सकता है कोई स्पेशल पर्सन जो आपको, जो आपके साथ रिसेंटली मिला है, या फिर कोई फ्रेंड है, या फिर कोई ब्रदर है, या फिर कोई फैमिली मेंबर से। तो इट्स अ गुड एनर्जी कि लोग आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। अभी लास्ट कार्ड देख लूंगा। आई हैव क्राइड ओवर यू। ओके, तो कोई ऐसे है कि जो आपके लिए रोए थे। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आई लाइक यू एंड आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। सो आई थिंक कोई ऐसे पर्सन है जो शायद पास्ट में, ये पास्ट कनेक्शन है, ये बॉटम ऑफ द डेक का कनेक्शन पास्ट का है, तो कोई पास्ट पर्सन आपको अभी भी पसंद करते हैं,
बट वो आपके सामने नहीं आ पाएंगे अभी बिकॉज वो ने कुछ ऐसे किए थे उसके कारण, बट वो कभी भी आपको नहीं भूल पाएंगे. ऐसा मैसेज. ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ओम क्रीम दक्षिणा काली की नमो. ये एक साइकिक एनर्जी अपडेट है, ऐसे अपडेट्स मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी. ऑल द बेस्ट और बने रहिए मेरे चैनल के साथ. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना मत भूलिए, माँ काली टैरोट बाय निर्मल मुखर्जी विद अ ब्लू टिक वेरीफाइड प्रोफाइल. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ओम क्रीम दक्षिणा काली की नमो.